बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर धाम मंदिर में बीती रात हुई चोरी। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए महेश्वर पंचायत से निराला कुमार और उसरी पंचायत के हरनाई से दिगंबर कुमार अपने इच्छा अनुसार कुछ रुपए डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीतीश यादव, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। बिहार के सभी जिलों के खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र और जिलों की खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपका काम का लगा हो तो एक लाइक और साथ में शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। सूत्रों से पता चलता है कि इस साल के अंदर करीबन 6 बार मंदिर में चोरी हुई। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष ने सीसीटीवी कैमरे दिखाने को बात कही तो उन्हें मना कर दिया गया। यह पहली बार नहीं हुई बल्कि 21 तारीख को भी चोरी हुई थी। चोर का पता अभी तक नहीं चल पाया और न ही प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। आपको बताते चले कि मंदिर से सटा ही पुलिस थाना है, फिर भी चोर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं और प्रशासन सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो और आगे तक जाए। हम लोग तो अपना काम कर दिए, अब आपकी बारी है कि चोर पकड़ा जाना चाहिए या नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बजरंग दल के अध्यक्ष ने क्या बोले हैं, सुनिए आगे। बाबा कुशेश्वर मंदिर में जे दान पात टूटले हन, ओकरा बारे में अहाँ की कहल चाहे छे? हमर सबके ई मांग ये, हम विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार, हमर सबके मांग ये जे बार बार इस तरह के घटना भ रहल छे, एहि पर ठोस से ठोस कार्रवाई होए, जे भी आदमी आरोपित होइ छथि। जे घटना भेल रहे ओहि घटना में हम सब आवेदन देलियन, SDO साहब अध्यक्ष छथिन न्यास बोर्ड के, उनको आवेदन देलियन, वो आश्वासन देलखिन, लेकिन कोनो तरह का कार्रवाई नहीं भ पेलै। यहाँ के न्यास समिति की कह रहल छै? अभी कोनो काम न्यास समिति एक ऊपर नहीं कर रहल छथिन। हुनका से हम सब CCTV फुटेज देखबाक लेल कहलियन, ओहो नहीं देखेलथि और कहलथि जे अहाँके हम नहीं देखा सकै छी, जे हमर विभागीय आदमी छै हम ओकरे टा CCTV फुटेज देखा सकै छी। अहाँके नाम की भेल? सुभाष शर्मा भगवाधारी। अहाँ कुशेश्वर स्थान मंदिर में आई रात में चोरी भेलै हन, अहाँके जानकारी केना मिलल हन? हमरा सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी मिललै, और कुछ दिन पहले भी मंदिर में चोरी भेलै, ओहिके लेल हम सब SDM सर के पास गेलिए। सर कहलखिन रहे जे हम लोग आएंगे तो आप लोगों को फोन करेंगे बैठक के लिए, लेकिन सर अभी तक आए नहीं और ना ही बैठक हुए। अगर सर आते बैठक ले लेते तभी दूसरा बार ये चोरी का काम नहीं होता, लेकिन ना सर आए ना अभी तक कोई कार्रवाई हुआ। और रही बात CCTV का, अगर CCTV लगा हुआ है तो भाई जो चोरी किया है उसको पब्लिकली दिखाइए, लेकिन ऐसा तो न्याय समिति वाला करते नहीं है। खाली बोलते हैं कि चोर का पहचान हो गया है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रहा है, देखिए रहे हैं आप लोग। अगर न्यास समिति अगर बोल रहा है आपको चोर का पता चल गया है, तो पुलिस के हवाले अभी तक क्यों नहीं किया है? पुलिस के हवाले इसीलिए नहीं किया, न्याय समिति वाला जानेंगे। अगर ये मंदिर इस पर कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, अगर कार्रवाई हुआ रहता तो अभी तक 5-6 बार इस मंदिर में चोरी हो गया है। कुशेश्वर स्थान मंदिर में रात में चोरी हुआ और हमको पता चला, इससे पहले भी कितना बार घटना हो चुका, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कुशेश्वर स्थान जनता को? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि न्यास और पंडा समाज के जो भी व्यक्ति हैं, दोनों में आपसी विवाद होने के कारण प्रशासन के थ्रू भी इन लोग पे कार्रवाई किया जाता है या कोई दबाव दिया जाता है, तो दोनों लड़के अलग हो जाते हैं। बाद में सब अपना अपना नज़रअंदाज करते हैं, तो चोर अपना चोरी करने के लिए मंदिर घुसते हैं, उनको देखा भी जाता है CCTV कैमरा के फुटेज पे, तो उस पर जो है कि चोर को पकड़ के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो पंडे समाज का होता है या वो न्यायकर्मी का सदस्य होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। इससे पहले थाना में कभी आवेदन दिए थे? थाना में हम तो आवेदन नहीं दिए, लेकिन हमारे मित्र सब दिए हैं आवेदन, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, चोर को पकड़ा नहीं गया। आज से 1 साल पहले भी चोरी हुआ था, जिसमें कि उनमें भी पंडे समाज का लोग, और इन दोनों को आपसी विवाद के कारण दोनों क्या करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई बहस नहीं है किसी को, लेकिन आज रात में
मंदिर बाबा कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध, ओहिमे आइ घटना भेलै हन, राति में चोरी भेलै हन। और इससे पहले 21 तारीख के राति में कुशेश्वर स्थान बाबा मंदिर के प्रांगण से दान पात्र तोड़ के चोरी भेलै हन। एकरा बारे में अहाँ की कहैल चाहै छियै जनता के? ई बाबा कुशेश्वर स्थान बिहार के प्रसिद्ध मंदिर छै और यहाँ पे नया समिति भी छै, लेकिन यहाँ पर की छै कि यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं छै। एक बार ये घटना नहीं छे, आज से कुछ दिन पहले सप्ताह भर पहले भी चोरी हो चुके रहे, लेकिन यहाँ पर देखे वाला कोई माए बाप नहीं छे, सबका सब कमाए वाला छे, चाहे कोई भी रहे, कोई भी नया समिति बने कथी ले छे। नया समिति जे छे यहाँ पर जे कहे छे कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सके छे। आप अहाँ के पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर नोटिस भी दलके रहा SDO के, लेकिन कोई एक्शन आर सप्तो भर नहीं भले, बुझे चारों दिन नहीं भले और चोरी हो गए। ऐसे इसे पता लगे छे कि हमर समाज, हम अपन समाज को भी दोष दै छियै, एहि लैके दोष दै छियै कि हमर समाज नहीं जागरूक छै, एहि लैके चाहे वो कोई भी अथी कमिटी छै ओहि लैके वो जागरूक नहीं छै। और यहाँ पर मेन कारण छै कि एक दूसरे पर सब चढ़ाव करने छै, तो चढ़ाव करने छै तो एक दूसरे में बनि नहीं पाबै छै कि कोई आवाज उठेतै। सब यहाँ पर एक दूसरे के ऐसा दिमाग लगा देने छै, एहिमे कुछ गुंडा प्रवृत्ति के भी लोग छै, कुछ ऐसा लोग छै, दबंग के लोग छै कि एकरा पकड़ने छै, की करै छै, अगर कोई आवाज उठबै छै तो ओकरा की कहै छै, तो अगेंस्ट पैसा दो के ओकरा की कहै छै भड़का के ओकरा मुँह चुप करवाबै छै। यहाँ पर कुशेश्वर स्थान के पास नहीं, हम खुल के बाजै छियै, हम डरै नहीं छियै, जे हम जे बाजै छियै खुल के यही रियलिटी छै, यहाँ पर सब जानै छै। अगर कुशेश्वर स्थान के जनता चुप रहै छै तो एकर कारण यही छै, लेकिन बोलतै तऽ बोलतै की? यहाँ पर अहाँ सब जानै छियै पूरा बिहार से देश विदेश से पूजा करै लए आबै छै, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाबै छै। हमरा बताबू, ई नया समिति किया बनै छै? किया छै नया समिति? खाली पैसा तऽ लै जाए, चंदा काटै लए देखतै ने। आइ देखियो, ई जे छै दू बार घटना भए चुकलै, ईटा से तोड़ै छै, CCTV कैमरा चारों तरफ काहे लगाया जाता है? CCTV कैमरा जे चारों तरफ लगेलकै हन कथी लए? सिर्फ देखै लए? कि प्रूफ नहि देखा सकै छै? लाइव नहि चालू करा सकै? जनता नहि जान सकै छै कि के चोरी करलकै नहि चोरी करलकै हन? से पकड़ि लै छै, लए लै छै आ छोड़ दै छै। ऐसे की समझतै जनता कि तुहो गलत छी, नेशनल समिति गलत छै? बदनाम तऽ सब ने भऽ रहल छै, एक दूसरे पर ब्लेम करै छै, आपसीमे लड़ाइ होइ छै, मतभेद होइ छै, एकर अभी तक कोई समाधान नहि निकलै छै, ओकर की कारण छै? नया समिति जवाब देतै ने? यहाँ के कमिटी के छै? नया समिति छै। अहाँ सब जवाब मांगलियै नया समिति से? जवाब मांगलकै हन हमर कमिटी के, बजरंग दल के जे छै सब जवाब दे। पहिले पिछले बेर तऽ हम नहि एलियै, लेकिन आइ एलियै, देखलियै, बहुत मन में आग भेल कि हमर महादेव के मंदिर में ऐसा घटना घटै छै, जेकि एकलौता प्रसिद्ध मंदिर छै, सबके नजर एहि पर छै, फिर भी ऐसा घटना घटै छै, कोई देखे वाला नहीं छै। बताबू के देखते? हम जनता ने देखे छै, हमे आर आवाज उठाबै छियै तऽ कोई साथ नहि देलतै, आर आबै छै, सब समाज के एक होके